एक मैंने बताया विजुअल एंगल, ठीक है, उसके बाद सेकंड था लीस्ट डिस्टेंस, फॉर डिस्टिंक्ट विजन, इसका सिंबल क्या होता है, कैपिटल डी होता है, ठीक है, और हेल्दी आईज इट इज 25 सेंटीमीटर. हेल्दी आईज का मतलब होता है वो आईज, ठीक है, चश्मा नहीं लगा. उसके बाद थर्ड पॉइंट का रिलैक्स विजन, और रिलैक्स विजन रेस शुड कम फ्रॉम इंफिनिटी. ये तीन बातें आपको ध्यान में रखनी है, काफी है, ठीक है. अब हम आते हैं मेन टॉपिक पे, विच इज माइक्रोस्कोप. सिंपल माइक्रोस्कोप, इसके ऊपर सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में बता देता हूँ. मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है, तो अगर मान लो हमारी आईज पे एक ऑब्जेक्ट बनाता है, ठीक है, मान लो 0.5 डिग्री, हमने क्या किया उसको देखा किसी माइक्रोस्कोप से. अब वो एंगल पर हमारी वो एंगल बड़ा बनाता है माइक्रोस्कोप की हेल्प से, वो दिखा बनाता है 2.5 डिग्री. तो हमने क्या बोला कि 2.5 डिग्री बाय 0.5 डिग्री हो जाएगा 5 डिग्री, बट 5 सॉरी खाली. तो वो जो इमेज जो है ना, जो हम किसी इंस्ट्रूमेंट से देखते हैं, वो कितने गुना बड़ा हमको हमारी आईज पे एंगल क्रिएट करता है, उसको हम कहते हैं मैग्निफिकेशन. मान लो कि नॉर्मली अगर हमारे आईज पे अगर एंगल 1 सबटेंड होता है और कोई इंस्ट्रूमेंट 5 अगर एंगल सबटेंड कर रहा है, तो मतलब उसका मैग्निफिकेशन कितना है, 5, ठीक है. इट इज अ फैक्टर बाय विच एंगल सबटेंडेड बाय एन इंस्ट्रूमेंट is greater than angle subtended by object, ठीक है. ये कहलाता है मैग्निफिकेशन. जितना बड़ा मैग्निफिकेशन होगा, हमको इमेज जो है उतनी बड़ी दिखेगी. सीधी सी बात है, हम चाहते ज्यादा मैग्निफिकेशन हो. अब आते हैं टॉपिक माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप में हमारे पास दो तरह के माइक्रोस्कोप होंगे, एक सिंपल माइक्रोस्कोप और एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप. सिंपल माइक्रोस्कोप में हम सिंगल लेंस यूज करते हैं, और ये समझ में आएगा तभी हमको दूसरा भी समझ में आएगा. तो सबसे पहले तो हमको यहाँ पूछा जाएगा कि सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए या कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए भी सेम मैग्निफिकेशन डिफाइन. सबसे पहले तो हम उसके लिए डिफाइन करते हैं एमएम. याद रखना है मैग्निफिकेशन को डिफाइन करने का तरीका जो होता है माइक्रोस्कोप में और टेलीस्कोप में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है, ठीक है. अब बाकी ऑलमोस्ट सिमिलर ही होता है. यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, एम की वैल्यू एंगल मेड बाय माइक्रोस्कोप एट आई अपॉन
एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट व्हेन, अब देखो एंगल मेड बाय द इमेज मेड बाय माइक्रोस्कोप हट जाए, ठीक है, एंगल ऑफ इमेज कितना एंगल बनाता है इमेज माइक्रोस्कोप के द्वारा हमारे आईज पे, ठीक है, वो एंगल को हमने किससे डिवाइड कर दिया, एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट। लेकिन अब ऑब्जेक्ट हमारे आईज पे अलग अलग एंगल क्रिएट कर सकता है, ठीक है, वो अलग अलग एंगल अगर क्रिएट कर सकता है हमारे आईज पे, तो ये भी मैटर करता है कि वो ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ कहाँ पे है ना, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट दूर है अलग एंगल, नजदीक है तो अलग अलग एंगल। तो हमने एकदम स्टैंडर्ड चूज किया, हमने सोचा कि बेस्ट एंगल कब बनाएगा ऑब्जेक्ट, जब वो हमारे आई से कितना डिस्टेंस दूर होता है, कैपिटल डी, व्हेन इट इज एट डिस्टेंस डी, ये बेस्ट एंगल होगा। हमने बोला कि माइक्रोस्कोप बना रहा है हमारी आई से एंगल मान लो 5 यूनिट्स, हमने उसी ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर दूर पे रखा, ठीक है, और हमने देखा 25 सेंटीमीटर दूर पे रखने पे वो हमारे आईज पे एंगल बनाता है 1 यूनिट। तो हमने क्या बोला कि मैग्निफिकेशन कितना हो गया, तो आंसर है 5 यूनिट। 25 सेंटीमीटर के बदले अगर हमने ऑब्जेक्ट को कहीं और दूर रखा होता तो वहां पे हमारे आईज पे बना था 0.5, लेकिन आपको 0.5 से मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है, हमको कैपिटल डी दूरी पे रखना है, उस समय एंगल नोट कर लो और माइक्रोस्कोप से एंगल नोट कर लो, ठीक है, वो हमें देगा मैग्निफिकेशन, ठीक है। ये वो जो फॉर्मूला है ना, अभी हम कुछ डेरिवेशंस करते हैं और ज्यादा क्लियर मिलेगा इसका आइडिया। सिंपल माइक्रोस्कोप का देखो, ये हमारा लेंस हो गया, जो ऑब्जेक्ट है ये लेंस यहाँ पे रखा, ये हमारी होगी ऑप्टिक एक्सिस, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है, और ये हमारा हो गया फोकस। टू यूज कॉन्वेक्स लेंस एज ए सिंपल माइक्रोस्कोप, हमें ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखना पड़ता है, बिटवीन ओ एंड एफ, ऑप्टिक सेंटर ऑफ फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखना। जब रे यहां से जाएगी, एक रे हमने बना ली पैरेलल, हमने क्या किया इसको फोकस से पास करवा दिया, जितना दूर ओ से एफ की दूरी होगी उतनी दूर यहाँ से इसकी भी दूरी ले लो। ये मैंने बताया था यहाँ से रे पर ये सेकंड फोकस होता है ना, फर्स्ट फोकस होता है दूसरा। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको से यहाँ से मैं एक रे और लेता हूँ ऑप्टिक सेंटर से, ठीक है, इसको मैंने बैकवर्ड एक्सटेंड कर दिया, और इसको मैंने बैकवर्ड एक्सटेंड कर दिया, रेस कहां पे जाके मीट करती है, पीछे जाके मीट करती है, एक्चुअली जा तो आगे रही है ये रेस, तो हमने इसको एरो ऐसा दिखा दिया, ठीक है, और यहां पे हमने क्या किया,
यहाँ पे चूंकि इमेज कैसी है, वर्चुअल इमेज है, इसको भी डॉटेड लाइन से ड्रॉ करेंगे, रियल ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से रेस कर देता हूँ, अगर एंगल देखा जाए तो ये एंगल हमारा हो जाएगा, और मैं इस एंगल को देखो जहां से एंगल पहले लेता हूँ थीटा, और इस थीटा थीटा इधर एंगल पे पहले इमेज एट दी आई, ठीक है, यहाँ पे हमारी आईज होगी, ठीक है, ओके, ये हमारा फिगर बन गया अच्छा सा, ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप ठीक है। अब मैग्निफिकेशन कहां से देखे हम, तो हमको मैग्निफिकेशन के लिए दो एंगल चाहिए था, एक तो थीटा ये वाला, और यहां पे ये क्या है, ये हमारा हो जाएगा यू, सिंगल यू दिखा देते हैं, ठीक है, जब कंपाउंड आएगा तो वहां पे दो यू होते हैं, तो वहां पे फिर यू ई और यू ओ लिखते हैं, अभी हमारे पास सिंगल यू है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू इज फिक्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब अगर हमारे पास मान लो यहाँ पे किससे कंपेयर करना है, तो हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को रखा यहाँ पे, जो साइज ऑब्जेक्ट का ऊपर है ना, वही ऑब्जेक्ट का साइज यहां पर भी लेना हमको, और इसको हम यहाँ पे रखते हैं ऑब्जेक्ट को, वही ऑब्जेक्ट के साइज ऊपर हमने लिया है ताकि फेयर कंपैरिजन हो, ठीक है, और यहां से हम क्या करते हैं 25 सेंटीमीटर दूर, ठीक है, आइस पे देखते क्या एंगल बनाएगा, ये एंगल हमने बोल दिया हमारा थीटा नॉट, ठीक है, ये हमारे आइस पे इतना एंगल ये बना रहा है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है, और डिस्टेंस का लेके कैपिटल डी, तो यहां पे मैं क्या ले सकता हूं, टैन थीटा नॉट इक्वल टू एच बाई डी, और यहां पर मैं क्या ले सकता हूं, टैन थीटा इक्वल टू ऑब्जेक्ट की हाइट तो वही है एच बाई यू, और अभी हमने जस्ट देखा कि मैग्निफिकेशन क्या होता है, एंगल मेड बाय द इमेज एट दी आई दैट इज थीटा बाय थीटा नॉट, एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट एट दी आई व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट डिस्टेंस कैपिटल डी दैट इज 25 सेंटीमीटर, ये लिखा था ना, एंगल मेड बाय द इमेज एट बाय द माइक्रोस्कोप एट दी आई, एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज बाय डिस्टेंस कैपिटल डी, देख रहे हैं आप। अब अपने से अगर ये पूछा जाएगा कि बताओ यहां पर मैग्निफिकेशन कितना हो गया, तो मैंने कहा तो m इक्वल्स टू थीटा, थीटा कितना है, अगर थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, इसको टैन थीटा के इक्वल हो जाएगा ना, तो थीटा इज वेरी स्मॉल, मैं क्या ले सकता हूँ, थीटा इक्वल्स टू h बाई u, इन द सेम वे हियर, यहाँ और वैसे भी एंगल बहुत छोटे होते हैं जो बनते हैं, ठीक है, इफ थीटा इज स्मॉल, एंगल जो होते हैं ना 1 डिग्री से भी बहुत छोटे हैं, वेरी स्मॉल, तो एम कितना हो जाएगा, आप देखो तो एम हो जाएगा थीटा बाय थीटा नॉट एच बाय यू एच बाय डी डी बाय यू, ये फॉर्मूला हमारा हो गया मैग्निफिकेशन का, ठीक है। इसमें ही हम लोग दो केस पढ़ेंगे आप, ठीक है, जो मैंने बताया था रिलैक्स मीजर के लिए और डिस्टिंग मीजर, ठीक है, इतना पहले फटाफट नोट कर दो,
ठीक है ना, इसको तुम लोग इतना नोट कर जाओ। इसके आगे जो हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, कल हम लोग पढ़ेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप के आगे कंपाउंड भी कल कर लेंगे, और फिर हम लोग टेलीस्कोप स्टार्ट करेंगे, इतना करके रखो। और मैं अभी ना पेपर तुम लोग के पीरियड के फोन पे भेज देता हूँ, लोग फिर उसको अटेम्प्ट करके ना मेरे को आंसर कल तक की भेज देना, ठीक है। मैं अभी क्लास एंड कर रहा हूँ। बाय। मैं भेज देता हूँ अभी ग्रुप, मैंने ना पूरी प्लेलिस्ट बना दी है, अभी सब कुछ प्लेलिस्ट पे डालता चला जाऊंगा, तो मेरे को ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। वैसे मैं तुमको वीडियो भेज देता हूँ, ठीक है अभी।